हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको समझ गए तो आप आराम से इस सेंटेंस का इंग्लिश में अर्थ निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। देखिए, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जो बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ हो और वर्तमान में जारी हो। क्या हो? वर्तमान में जारी हो। बीते हुए समय में प्रारंभ होने का मतलब ये है कि कोई कार्य बीते हुए समय से ही चल रहा हो और अभी तक कंटिन्यू बना हो। लेकिन ये यहाँ पर अनिवार्य रूप से ये होना चाहिए कि वो वहाँ पे समय दिया गया हो, ठीक है, समय के साथ हुआ हो। ऐसे सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है अंत में रहा है, रही है आएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ा था तो वहाँ पर रहा है, रही है पहचान था, सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है पहचान था। लेकिन यहाँ पर भी वही पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन किसके साथ हो? समय के साथ हो। समय के साथ होने का मतलब क्या है कि समय दिया गया हो। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब वो वर्तमान में काम चल रहा है, लेकिन इससे ये नहीं बोध हो रहा है कि पिछले समय से ही खा रहा होगा या नहीं खा रहा होगा, है ना। लेकिन यदि आप कहें कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 2 घंटे से वो खाना खा रहा है और वो कार्य अभी तक जारी है, मतलब अभी तक खाना खा रहा है। मैं 2 साल से 1 नॉवेल लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो पिछले 2 साल से नॉवेल लिख रहा है और अभी तक वो कार्य जारी है, है ना। तो ये अंतर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरे शब्द में ये कहें तो इस काल के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान काल में जारी है। तो इसको आप नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो समय दिया रहता है कि 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, 5 दिन से मैं भूखा हूँ, या 40 दिन से मैं नहा रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में जो समय दिया रहता है, ये समय हम किससे डिनोट करते हैं? निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब यहाँ पर कब सिंस का प्रयोग करेंगे, कब फॉर का प्रयोग करेंगे, ये समय दिखाने के लिए होंगे। तो जब कोई निश्चित समय आपको मिल जाए तब सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब कोई अनिश्चित समय मिले तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो कैसे समझेंगे कि कब हमको सिंस का प्रयोग करना है, कब फॉर का? देखिए, निश्चित समय कहने का मतलब ये है, यदि आपने कहा मैं 5 बजे से बाजार जा रहा हूँ, 5 बजे से बाजार जा रहा हूँ, इसका मतलब ये फिक्स समय है कि 5 बजे से। लेकिन यहीं पर यदि कह दिया जब मैं 5 घंटे से बाजार जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो 5 घंटे करेक्ट 5 घंटा नहीं है, वो या तो हो सकता है 4 घंटा हो, या तो 6 घंटा हो, या 3 घंटा हो, लेकिन वो समय फिक्स नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो निश्चित हो जाएगी तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। यदि हम कहें कि 1885 से मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ, यदि 1885 है तो जाहिर सी बात है ये समय क्या है, फिक्स है कि 1885 से एक नॉवेल लिख जा रहा है। जब ये निश्चित हो गया तो इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग हर एक टेंस में क्या करते हैं, समझते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। और हर एक टेंस का हमने पहले ही बता दिया है आपको, हर एक टेंस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। बाकी निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देना है। यदि WH वर्ड्स हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रख दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा तब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ये तभी आपके लिए पॉसिबल है जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखेंगे। हालांकि कोई भी टेंस हो उसका स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट कौन से होंगे, वर्ब कौन से होंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कौन से होंगे, यही हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं हर एक प्रकार के टेंस को पढ़ के। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी आपको जानकारी दे दें कि इस टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर पढ़ा क्यों। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर है परफेक्ट, है ना, और यहाँ पे है कंटिन्यूअस। क्या है? परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है। जब आप हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर
हैज भी मिलेगा, हैव भी मिलेगा, बिन भी मिलेगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी मिलेगा, है ना। अब देखिए कि जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, है ना। परफेक्ट की बात होगी तो परफेक्ट में अच्छी तरह से आपको पता है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए जब हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे हैज हैव भी रहेगा, उसके बाद बिन, ये जो बिन है ना, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि इज एम आर वॉज वर, ये बीन बींग और बिन, ये किसके फॉर्म होते हैं, बींग और बिन, ये किसके फॉर्म होते हैं, बी के फॉर्म होते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, बी मतलब इज भी तो हुआ, यदि हम इसको बीन कर दें, बिन कर देंगे तो इसके साथ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई जो कि हमारा परफेक्ट टेंस बना दिया, और उसके बाद ये बिन जो है ये इज एम इज का भी और आर का भी काम करने लगेगा, एम का भी काम करने लगेगा, तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा देंगे तो ये कंटिन्यूअस भी बन जाएगा। इसलिए इस टेंस में हैज हैव बिन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, आई वी यू दे एंड प्लूरल वर्ब्स होंगे, तो इसके साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। अब अंत में दोनों में ये देखना है कि सिंस और फॉर जो होंगे वो तो होंगे ही, और उस पर्टिकुलर टाइम के साथ होंगे जो निश्चित या अनिश्चित के को दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब इस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, यदि सिंगुलर होगा तो हैज बिन वर्ब की आई एन जी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हैव बिन वर्ब की आई एन जी का फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाकी जो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बचेगा उसको लिखेंगे, और अंत में याद रखना है कि सिंस या फॉर के साथ समय का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक ठीक है। ये आपको नोट करके लिख लेना है कि सिंस के लिए सिंस के लिए निश्चित समय और फॉर के लिए अनिश्चित समय का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के मदद से अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, अंत में देखना कि क्या दिया है। देखिए सभी सेंटेंस के अंत में क्या दिया है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपने देखा तो आपको अनुमान लग गया यह या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें समय नहीं दिया होगा, यदि समय दिया है, देखिए यहाँ पर भी समय दिया है 2 महीने, यहाँ पर भी समय दिया है बचपन में, यहाँ पर भी समय दिया है 3 घंटे, यहाँ पर भी दिया है 2 घंटे, तो मतलब समय दिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना। चलिए अब पहला काम तो हमारा हो गया कि अंत में देखना है, और हमको पता चल गया कि कौन सा टेंस है। यदि ये दोनों चीज़ें पता चल गई, ये भी पता चल गया कि आपका टेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपका टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा, सब्जेक्ट, वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है, कौन लिख रही है, वह के लिए आपको बता दें, इससे पहले भी हमने बताया है कि यदि मेल होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, यदि फीमेल होगा तो सी का प्रयोग करेंगे, यही वह के साथ भी होता है और उसके साथ भी होता है, उसका, उसकी, उसके, तो ही या सी का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमको मिल गया सी, अब आपको ये बताइए कि सी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सी आपका क्या है, सिंगुलर है, देखिए यहाँ पर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, तो सी हैज बीन, है ना। उसके बाद देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे जिसके साथ रहा है, रही है, लगा होगा, वहीं होगा आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आईएनजी फॉर्म तक, अब बचा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, क्या लिख रहा है, उपन्यास, उपन्यास मतलब द नॉवेल, द नॉवेल, कितने,
अब देखिए आपको फॉर का यूज करना है कि सिंस का प्रयोग करना है। दो महीने से यदि हम बोल दें कि दो महीने से बाजार जा रहा हूँ या दो महीने से योगा कर रहा हूँ, तो दो महीने से कोई फिक्स समय तो है नहीं, और जब निश्चित समय नहीं है ये तो अनिश्चित समय हो गया, फिक्स तो है नहीं। जब ये अनिश्चित समय हो गया तो हमको किसका प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे, फॉर का। कितने महीने से, टू मंथ। देखिए टू मंथ आप नहीं कर सकते, आप टू मंथ्स करेंगे तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। वन मंथ होता है लेकिन जब प्लूरल हो गया तो टू मंथ्स करेंगे, ठीक है। चलिए आगे है, तुषार बचपन में डांस का अभ्यास कर रहा है। बचपन में, यहाँ पे बचपन नहीं होगा, बचपन में नहीं होगा, बचपन से होगा, है ना। तुषार बचपन से डांस का अभ्यास कर रहा है, बचपन से ही कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक प्रकार का समय है। अब बचपन के साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे कि फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए बचपन एक फिक्स समय है कि बचपन की बात हो रही है ना, तो जब बचपन की बात हो रही है तो निश्चित हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अंत में रहा है रही है, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, तुषार है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे तुषार। तुषार, तुषार सिंगुलर है कि प्लूरल है, कोई नाम है तो सिंगुलर होगा, हैज बिन, तुषार हैज बिन। क्या सीख रहा है, पहली बात तो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करना मतलब प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिसिंग हो जाएगा अभ्यास में, तो कैसे होगा, पी आर ए सी टी आई एस आई एन, प्रैक्टिसिंग क्या, डांस, डांस। अब बचा क्या, बचपन में, बचपन से, तो बचपन से के लिए सिंस क्या, बचपन मतलब चाइल्डहुड है ना, चाइल्ड, क्लियर है। चलिए आगे है, वे तीन घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे तीन घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, दे आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, यह प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, दे हैव बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग है ना, दे हैव बीन रीडिंग क्या, इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे समय क्या है, तीन घंटे से, ये भी समय फिक्स नहीं है, तीन घंटे से मतलब हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर थ्री आवर्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि यहीं पे दिया होता तीन बजे से तो समय फिक्स हो जाता, निश्चित हो जाता, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। लास्ट सेंटेंस देखिए क्या है, लड़के दो घंटे से घुड़सवारी कर रहे हैं, घुड़सवारी करना मतलब राइडिंग हॉर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, द बॉयज, अब ये प्लूरल है तो हैव बीन राइडिंग हॉर्स फॉर टू आवर्स, ठीक है। अब यही सेंटेंस जब निगेटिव सेंटेंस में बनेगा तो क्या होगा, तो ऐसे कहा जाएगा कि वह दो महीने से उपन्यास लिख रहा है ना, वह दो महीने से उपन्यास लिख रहा है। जब वो दो महीने से उपन्यास नहीं लिख रहा है आएगा तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए हैज बीन राइटिंग, हैज बीन राइटिंग यही होगा, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या चेंजेस आएगा, कुछ नहीं, बस हैज और बीन के बीच में, हैज और बीन के बीच में क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, हमेशा हैव बीन और हैज बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे। देखिए यहां पर निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इस निगेटिव सेंटेंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर कैसे है, पहले सब्जेक्ट है, फिर हैज है, फिर नॉट है, फिर बिन है, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ सिंस फॉर का प्रयोग, बाकी सारे के सारे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर ही आधारित है। बस हमने आपको बताया है कि जहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग ध्यान रखेंगे, और उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे देखिए दो दो मेन वर्ब आपको लग रहा होगा, एक तो ये बिन है ना, कौन कौन सा, एक ये जो बिन दिया है, ये जो बिन है, ये बिन है, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आईएनजी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे दो मेन वर्ब है, लेकिन जो सबसे पहले मेन वर्ब रहेगा उसी के पहले हमको नॉट का प्रयोग करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है,
और हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हैव है, बीन हैव बीन, इसके बीच में नॉट का प्रयोग हो गया। क्लियर है? अब आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है पिछले सेंटेंस से ही बस नॉट का प्रयोग करना है, तो कैसे करना है दो सेंटेंस आपको बताते हैं और दो सेंटेंस आपके लिए छोड़ देते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए पहला सेंटेंस का क्या हो जाएगा, रहा है रही है तो आपको पता चल गया समय के साथ भी है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और जब निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सी है ना, सी के साथ हैज, उसके बाद नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन, क्या लिख रही है राइटिंग, है ना, सी हैज नॉट बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 months, है ना। नेक्स्ट क्या, तुषार बचपन से डांस का अभ्यास नहीं कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुषार हैज नॉट बीन प्रैक्टिसिंग, क्या किसका प्रैक्टिस कर रहा है, डांस का, डांस सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। इसी तरह से वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2-3 आवर्स, 3 घंटे से, है ना। लड़के 2 घंटे से घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, द बॉयज हैव नॉट बीन राइडिंग हॉर्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने 2 भागों में पढ़ना शुरू किया है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में पढ़ेंगे। आपको मेन स्ट्रक्चर यही याद रखना है, ये उससे प्रारंभ होगा जो क्या से प्रारंभ होते हैं उसके लिए है, लेकिन जो क्या से नहीं प्रारंभ होते हैं और क्या क्यों कब कैसे सेंटेंस के बीच में होगा, जैसे पहला सेंटेंस है क्या वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, वह 2 महीने से क्यों उपन्यास लिख रही है, है ना। उसी तरह से क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वह क्या वे 3 घंटे से क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के सेंटेंस होंगे, या तो क्या से प्रारंभ होंगे, या तो ये क्या क्यों कब कैसे कहाँ पर होगा, सेंटेंस के बीच में होगा, है ना, सेंटेंस के बीच में होगा। अब इस तरह से जब सेंटेंस के बीच में होगा तो करना कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आपको यही फॉलो करना है, बस जब ये क्या क्यों कब कैसे बीच में आएंगे तो इसके मीनिंग को हमको सबसे पहले रख देना है, वाई यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट कर देंगे, बाकी पूरा सेम टू सेम यही रहेगा। हम हर एक सेंटेंस में यही बात करते चले आ रहे हैं, हर एक टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना। तो यदि आप कंटिन्यू लगे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए पहला सेंटेंस है क्या वह 2 महीने से उपन्यास लिख रही है, तो वह है मतलब या तो सी होगा या ही रही है मतलब सी है, तो आपको सी के पहले आपको किसका प्रयोग करना है, हैज का, तो क्या कर देंगे, हैज सी, है ना, हैज सी, इसके बाद बीन आ गया, वर्ब की आई एन जी फॉर्म मतलब राइटिंग हो गया, है ना, राइटिंग आई एन जी फॉर्म भी हो गया, बीन भी हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट क्या, उपन्यास मतलब द नॉवेल हो गया। अब बचा सिंस फॉर और टाइम, तो 2 महीने से, 2 महीने से के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 2 महीने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 months, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वही सेंटेंस है जब क्या क्यों कब कैसे बीच में आ गया, तो करना क्या है, इसी सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसी सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, अपने से बना लेंगे, बस उसके पहले क्यों का मतलब वाई का प्रयोग कर देंगे। तो वाई हैज सी बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर 2 months। अब देखिए कुछ नहीं था, ये स्ट्रक्चर जो है आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर
अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर ही हैं, लेकिन किया क्या गया है इसमें, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको सब्जेक्ट के पहले रख दिया गया है, जो कि पहले सब्जेक्ट के बाद में रहता था यहाँ पर, नहीं इसको उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दिया गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये दो सेंटेंस आप अपने से करेंगे, इसको भी अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा, यदि चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, और यदि आ रही हैं समझ में तो आप सेशन को, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उसके बाद यदि आप पहली बार हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब आपको अच्छी तरह से पता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, और यदि उसमें नहीं एक्स्ट्रा लिखा गया है तो आपको सब्जेक्ट जहाँ पर भी होगा उसके बाद में आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ देखिए, क्या वह दो महीने से उपन्यास नहीं लिख रही है, तो ऐसे सेंटेंस में देखिए, हैज सी नॉट बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर टू मंथ्स, इसका मतलब ये है कि ये जो नॉट है ये सी के बाद ही लगाया गया है, यदि नॉट नहीं होता तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना होता। ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्या तुषार बचपन से डांस का अभ्यास नहीं कर रहा है, हैव, और तो इसका क्या हो जाएगा, हैज, तुषार के लिए हैज आ गया, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो गया, बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस चाइल्डहुड, हैव दे नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, क्या वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। आगे हैव द बॉयज नॉट बीन राइडिंग हॉर्स फॉर 2 आवर्स, क्या लड़के 2 घंटे से घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कि ये जो हैव है द बॉयज के लिए आया है, दो बॉयज आपका सब्जेक्ट है, ये प्लूरल वर्ब है, और नॉट का जो प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के बाद हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सरल है, जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद रखना है। अब यदि निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लगा दीजिए, या सिर्फ मेन वर्ब है तो उसके पहले लगाइए। प्रेजेंट डेफिनिट है तो डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डज डू का प्रयोग होता है। तो ऐसे कंडीशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, इंडिफिनिट टेंस होगा तो डज डू को पहले रख देंगे, करना हेल्पिंग वर्ब को पहले ही है, चाहे डज डू हो, चाहे कोई हेल्पिंग इज एम आर ओ, चाहे हैज हैव हैड हो, है ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या क्या होते हैं, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ सेंटेंस में अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस को थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर उसका प्रयोग होता है। ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन कार्यों के लिए करते हैं जो नियरेस्ट पास्ट में होता है, शुरू हुआ होता है और वर्तमान में जारी होता है, और ये भी है कि भविष्य में एक निश्चित समय तक समाप्त होने की जो होता है संकेत भी दे देता है, और वो समाप्त भी हो जाता है। जैसे आपने कहा ना कि 2 घंटे से नॉवल लिख रहे हैं, तो 2 घंटे से नॉवल लिख रहे हैं इसका मतलब नज़दीक के ही किसी पास्ट में प्रारंभ हुआ है 2 घंटे पहले से, और उसके बाद वर्तमान में चल रहा है और आगे चल के समाप्त भी हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, सीमा हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, सीमा 4 घंटे से खेल रही है, तो पहले से ही 4 घंटे से खेल रही है, उसके बाद अभी खेल ही रही है और आगे चल के खेल के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी सेंटेंस होगा जिसमें ऑल डे आ जाए, हैव लॉन्ग आ जाए, फॉर 2 मंथ्स आ जाए, सिंस 1947 आ जाए, द होल वीक आ जाए, तो इन सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में यदि ये शब्द आ गए तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया हो। यदि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पास्ट टेंस से प्रारंभ करेंगे। ठीक है।